नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शैक्षिक समाचार राजस्थान की प्रमुख खबरें कुबेर पाटीदार के साथ। मंडल स्तर पर नहीं हुआ आपत्तियों का निस्तारण, वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर प्रमोशन, रविवार को खुले रहे कार्यालय, आज बीकानेर जाएंगे अधिकारी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के दो वेतनमान, 2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को हर माह हजारों का नुकसान। चाइल्ड केयर लीव में जा सकेंगे विदेश, नई दिल्ली। स्कूलों में 18 को होने वाली परीक्षाएं 26 को, जयपुर। निशुल्क कोचिंग योजना, 3 साल में 3 बार घोषणा, 21 छात्रों को ही मिला लाभ, जयपुर। कब कब घोषणा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में। सेकंड, वर्ष 2017-18 के बजट में। और तीसरा, बाबा साहेब अम्बेडकर की 127वीं जयंती की राज्य स्तरीय कार्यक्रम में। स्कूलों में भौतिक सत्यापन करने का काम शुरू, सरकारी विद्यालयों के बच्चे चलेंगे इंटरनेट। आयकर विभाग दे रहे हैं सहूलियत, 31 मार्च तक रिटर्न नहीं भरा तो ये विकल्प दे सकते हैं मौका। वित्तीय वर्ष 2016-17 में छूटे कई रिटर्न। प्रदेश की सवा लाख बालिकाओं में बढ़ेगा कुपोषण, किशोरी शक्ति योजना बंद, सीकर। MBBS नीट में 20% अंक लाने पर ही दाखिला, नई दिल्ली। प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नहीं पता कितनों को देनी है पदोन्नति, सूचनाओं के अभाव में पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित। GCA कार्यालय से नहीं मिली सूचनाएं, आज बीकानेर रवाना होगी टीम। भेजी हजारों पुस्तिकाएं, मार्गदर्शिका से शिक्षक सीखेंगे शिक्षण की कला। राजकीय विद्यालयों का नया शैक्षिक सत्र, मुखियाओं शिक्षकों की बाट, ज्योति स्कूल प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में 2000 से अधिक पद खाली। सरकार का यू टर्न, वापस लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, विसंगति होगी दूर। अब अगले सप्ताह अपलोड होने के आसार, विद्यार्थियों को नीट के प्रवेश पत्र का इंतजार, अजमेर। संतान की गणना अलग अलग, राज्य सरकार के भर्ती नियमों में विसंगति या निःशक्त को नहीं माना तीसरी संतान। शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग में भर्ती से जुड़ा है मामला, ताकि बड़े उपयोग। ICT लैब में हर सप्ताह लगेगा कालांश, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से निर्देश। सरकार और तकनीकी फर्मों में होगी बातचीत, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली की कवायद। शिक्षकों की बैठक जोधपुर, राष्ट्रीय राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी की बैठक लाल मैदान स्थित आदर्श विद्यालय विद्या मंदिर में हुई। 8 लाख अभ्यर्थियों को है रीट सेकंड लेवल के रिजल्ट का इंतजार, जयपुर। लैपटॉप पाकर खिले चेहरे, 88 होनहार को लैपटॉप वितरित, जोधपुर। सरकारी स्कूलों में सुविधाएँ बढ़ने से हुई नामांकन में वृद्धि, कृषि मंत्री शेखावत ने स्कूल में किया कक्षा कक्ष व शौचालय का उद्घाटन, बासनी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के समाचार में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।